Consider the half cell reduction reaction. Mn2 plus plus 2 electron give Mn और E0 value 1.18 volt दे रखा, फिर Mn2 plus Mn3 plus बना रहा plus electron और E0 का value minus 1.51 volt दे रखा. The E0 for the reaction 3 Mn2 plus gives Mn0 से Mn3 plus. तो ठीक है, 3 plus से 0 जा रहे और 2 plus से 0 जा रहे और 2 plus से 3 plus जा रहे. इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा, और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा इसका मतलब हम लोग आराम से रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर सकते हैं. तो जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा तब उस केस में हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों के वैल्यू को ऐड कर सकते हैं. तो जैसे Mn2 प्लस से Mn का फॉर्मेशन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो इस केस में रिडक्शन हाफ बोल सकते हैं, और Mn2 प्लस से Mn3 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ बोल सकते हैं. तो रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ अगर इन दोनों को कंसिडर करके चलें तो बस इन दोनों को ऐड कर देना है, मतलब बेसिकली माइनस 1.18 कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, माइनस 1.18 वोल्ट प्लस ऑफ माइनस 1.51 वोल्ट. जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा 2.69 वोल्ट के बराबर माइनस साइन के साथ. तो एक तो E0 का वैल्यू निकल के आ गया माइनस 2.69, और दूसरा पूछा है पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली. तो जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है Mn2 प्लस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा. तो जैसे डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE होता है, तो अगर हम लोगों के E0 का वैल्यू निगेटिव है इसका मतलब डेल्टा जी वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी पॉजिटिव इसका मतलब नॉन फिजिबल रिएक्शन या फिर नॉन एस्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए. तो सवाल में यही पूछा है पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो नॉन फिजिबल रिएक्शन का मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इस केस में इम्पॉसिबल रिएक्शन कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं. तो E0 वाला पार्ट तो -2.69 होगा, लेकिन ये रिएक्शन वाला पार्ट पॉसिबल नहीं हो सकता.